जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं अरमापुर स्ट्रेट में बहुजन समाज का बहुत ही आदिवासी समाज का इस समय कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं, अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ नई दिल्ली जिला शाखा कानपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा आदिवासी मूल निवासी पारिवारिक मिलन समारोह एवं आदिवासी क्रांति मूल क्रांतिकारी समारोह सब जन जागरण समिति द्वारा सांस्कृतिक नाम जिसकी मुख्य अतिथि माननीय सावित्री बाई फूले जी हैं और भारी संख्या में लोग आए भी हैं। मैं BCNC न्यूज़ से राजेश कुमार दोहरे दीपक गौतम के साथ इस समय कानपुर अरमापुर स्टेट समाज सदन में के विश्वास को हम जीतने का काम करेंगे। हम कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं टूट जाऊंगी अगर मुझे चैन जाना पड़ा, भारतीय के फर्जे पर अगर मुझे छूना पड़ेगा तो भारत के संविधान अर्थर और बहुजन समाज के लिए मैं फांसी पर लटक जाऊंगी। लेकिन संविधान अर्थर को लागू कराकर बहुजन समाज को मैं बराबरी में लाकर कहीं जोड़ूंगी। इससे आशा विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ कि आप लोग हमारा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। 23 दिसंबर को चलेंगे और कोई मना करे तो, कोई रोकेगा तो नहीं मानेंगे। आप लोग चलेंगे, हमारी मात्र शक्ति भी चलेंगे क्या? अच्छा, हम देखेंगे पुरुष का हाथ उठता है कि महिलाओं का हाथ ज्यादा उठता है। एक बार जब हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम सब लोग आएंगे। आप सब लोग आएंगे। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। बड़ी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और आप लोगों ने मुझे हाथ उठाकर समर्थन किया। लेकिन 23 दिसंबर को हम देखेंगे कि कानपुर से कितने लोग आए हैं। यहाँ कानपुर के ही लोग नहीं है, यहाँ कानपुर के चारों तरफ के लोग हैं, अन्य प्रदेश से भी लोग हैं और जिन जिन प्रदेश से लोग हमारे गायक मंडली या सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग आए, आप लोगों से भी निवेदन करूंगी कि आप लोग सभी लोग आप लोग 23 दिसंबर को लखनऊ आप लोग भारी संख्या में पहुंचे, आप लोग भारी संख्या में पहुंचे और उसी दिन भारतीय संविधान को लागू करो और नारे में भाई मोदी उसी खात्मा। मैं यही ऐलान करूंगी और यहाँ ऐलान करने के बाद लोकसभा 11 तारीख से शुरू है। मैं लोकसभा में बोलूंगी कि देश के प्रधानमंत्री कुर्सी, प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मैं लोकसभा में बोलूंगी, मैं आपका समर्थन चाहती हूँ। आए पिता के बुजुर्गो, आए माताओं बहनों भाइयों, एक बार आप सब लोग दोनों हाथ उठाकर आप बताइए कि आप लोग चलेंगे। आप सब का मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं एक शहर के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मैं एक शहर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि दुनिया की परवाह नहीं, जीती हूँ मैं शान से, जिंदगी बदल गई हमारी भारत के संविधान। अगर 12 साल न होते तो आज मैं नहीं। इसलिए भाई बहनों मैं कहना चाहती हूँ कि किसी के रहनो कर्म पर जियोगे कब तक, किसी के रहनो कर्म पर जियोगे कब तक। अपनी कुपते लोगों को पहचानो, हयात छीन लो मुक्ते लोगों के हाथों से, हयात भीख में मिलती नहीं दीवारों। वो संविधान का आसमान से नहीं मिला, ये अधिकार छीन लेके बैठे हैं, इनको हमें छीनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। संविधान को भी है, हम समझ गए हैं कि किस साजिश ये है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बजा करके जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, आज वो पैमान कहता है घर से निकल जाइए। निकलना तो तुमको है, यह संविधान तो हमारे महापुरुषों ने दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ क्या पिता तुम बुजुर्ग हो, बाबा साहब की कसम
हम सभी आदिवासी के महापुरुषों की कसम, बाबा साहब की कसम, हम सभी आदिवासी महापुरुषों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रीवा की घाटी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। आए बहुजन समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, आप लोग इकट्ठा होकर के 23 तारीख को लखनऊ के तरफ आप लोग कूच करो, तब हमारा आपका चबाना बदलेगा, तब हमारा आपका चबाना बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहती भाई बहनों, कि तन बिक रहा है वो तन बिक रहा है, तन बिक रहा है वो तन बिक रहा है। आए समाज के लोगों, बुरा न मानो तो खोल कर कह दूं, हम लोग आपस में अलग अलग बटे हैं, इकट्ठा होकर आंदोलित नहीं होते हैं, इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है, इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि जज में सो के शहादत को क्या पूछिए, जज में सो के शहादत को क्या पूछिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक गणों का और आए हुए सभी हमारे अतिथियों का, आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सबके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय।